नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राजस्थान बोर्ड एग्जाम्स 2021 को लेकर। 10th और 12th वाले स्टूडेंट को अगली कक्षा में प्रमोट करने को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। 10th में आपको दोस्तों 20 लाख से ज़्यादा छात्रों को पास किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर दोस्तों बयान आया है। मैं आपको इस वीडियो बताऊँगा, वीडियो को लास्ट जरूर वॉच करना। साथ में दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस चैनल पर आपको राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। और इसी के साथ जो स्टूडेंट दोस्तों प्रमोट कर दिए गए हैं, जैसे कि आपकी 8वीं 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट, उनके दोस्तों यहाँ पर जो है एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं 10th और 12th की परीक्षाओं के बारे में बात करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, CBSE ने आपके जो स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया है, उनकी एडमिशन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट के बिना ही 11वीं के एडमिशन की जो प्रोसेस है दोस्तों शुरू हो गई, यानी कि बिना रिजल्ट के ही अब आपके एडमिशन दोस्तों स्टार्ट हो गए हैं। रिजल्ट आपका बाद में आएगा, क्योंकि जो सत्र है वो चलाना है सरकार को, वरना सत्र आपका 1 साल पीछे चला जाएगा। इसके लिए आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, राजस्थान बोर्ड है, RVSE बोर्ड है, उसके भी रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपके जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। और जो स्टूडेंट प्रमोट हो गए हैं 9वीं में 11वीं में, उनके दोस्तों यहाँ पर 10 मई से दोस्तों उनके जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने वाली है। आप देख सकते हैं 10 मई से मिलनी है क्रमोन्नति। इस साल बोर्ड परीक्षाओं में 9वीं और 11वीं के और 10वीं 10 मई से शारदा दर्पण पर PSC पोर्टल पर क्रमोन्नत किया जाना है। और चूँकि 6 जून तक 6 जो सभी जिलों की यहाँ पर दोस्तों ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, तो ऐसे में 6 जून तक दोस्तों आपकी जो है जो प्रमोट हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर अभी तक जो है एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए, क्योंकि RVSE ने छुट्टी कर दी है 6 मई तक राजस्थान बोर्ड ने। लेकिन जो 10वीं और 12वीं के लिए NCERT पाठ्यक्रम को लागू करना होगा, ये आज दोस्तों अपडेट आई, यानी अब NCERT पाठ्यक्रम आपको लागू कर दिया जाएगा। और जो 10वीं का दोस्तों बोर्ड है वो अब पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है दोस्तों वो 2021 में लागू की जाएगी। इसमें दोस्तों आपका जो बोर्ड है 10वीं का वो समाप्त हो जाएगा। इसी के आधार पर दोस्तों जो है जिले के 55,000, यानी कि जो श्रीगंगानगर है वहाँ की अपडेट है, यानी कि श्रीगंगानगर के 55,000 और पूरे प्रदेश में 20 लाख से स्टूडेंट 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को दोस्तों पास किया जाएगा बिना परीक्षा के। ये अपडेट है दोस्तों आप सबके लिए। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि आपके जो प्रमोट की जो है प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होने वाली है, तो इसको लेकर दोस्तों आपके जो बुरी खबर भी है आप सबके लिए, क्योंकि जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटसरा, जो इस आपके दोस्तों 10th और 12th की एग्जाम्स को लेकर आदेश देते हैं, रिजल्ट जारी करते हैं, यानी कि जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं वो दोस्तों कोरोना की चपेट में आए, यानी कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं दोस्तों। तो ऐसे में वो राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो ऐसे में हर कोई व्यक्ति आ रहा है। अशोक गहलोत सरकार ने शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा आज संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, यानी कि उन्हें दोस्तों कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। इसकी वजह से दोस्तों वो अब घर पर ही रहेंगे, यानी कि अब उनको यहाँ पर घर पर ही आइसोलेट कर दिया गया है। इस वजह से दोस्तों आपकी जो 10th बोर्ड की जो जो दोस्तों फाइनल डिसीजन आना है, जो फाइल है दोस्तों, उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। हालांकि उनकी तरफ से ये बयान भी आया है कि जो भी कार्य हो रहे हैं वो मेरी गैर मौजूदगी में भी होते रहेंगे, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं दोस्तों डॉक्टर DP जारौली, अब उन पर पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो आपकी परीक्षा कराता है 10th और 12th की। तो 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को कैंसिल करने को लेकर दोस्तों आपकी 2 या 3 मई को बैठक होगी, और इस बैठक में जो गोविंद सिंह डोटसरा हैं वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दोस्तों उस मीटिंग में भाग लेंगे, और आपकी जो 10th की बोर्ड की परीक्षाओं को कैंसिल करने को लेकर विचार किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से कोरोना के हालात हैं, MP बोर्ड ने दोस्तों पूर्ण तरह दोस्त यहाँ पर जो 10वीं वाले स्टूडेंट को पूरी तरीक़ा से दोस्तों यहाँ पर प्रमोट कर दिया है, अब उनके एक भी स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और जो 12वीं के स्टूडेंट हैं दोस्तों, उनकी 1 जून के बाद एग्जाम कराने की यहाँ पर दोस्तों बात है उन्होंने कही है। इसी प्रकार राजस्थान में भी दोस्तों ऐसा ही होगा, आपको प्रमोट किया जाएगा और 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं दोस्तों जिन्हें प्रमोट किया जाना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि जो भी अपडेट आई वो आपको चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों आप घर पर रहें, अपनी स्टडी करते रहें, और 10th वाले स्टूडेंट से मैं एक ही बात कहूँगा कि उनको दोस्तों प्रमोट किया जाएगा। और जो स्टूडेंट अभी 8वीं और 9वीं और 11वीं में प्रमोट हुए हैं, उनके दोस्तों एडमिशन आपके 10 मई के बाद स्टार्ट होने वाले हैं। तो अपने पूरे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं,
तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।